Hello, good morning, namaskar, and a very warm welcome to the channel Online Section. So my dear friends, current affairs के series में आज ये आपकी class number 24 है और हम cover कर रहे हैं current affair के most important topics आपके exam के point of view से. तो आज हमने जो topic चुना है वह है अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाएं बहुत चर्चा में रही है और जहां से आपके exam में question बन सकता है तो उनको आज हम कवर करेंगे. एक बार में आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, वो भी ट्रिक की हेल्प से. तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की. एंड गाइस, इससे पहली क्लास में कल मैंने आपको भारतीय चर्चित महिलाओं के बारे में टॉपिक कवर करा दिया है कि इंडिया की कौन कौन सी फीमेल्स है जो बहुत चर्चा में रही, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो चलिए, पहला यहां पर दिया गया है सेलेस्टे सैलो. ये कौन है? ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है. कौन? सेलेस्टे सैलो. अच्छा, लेस्टे आपको लेटेस्ट जैसा साउंड कर रहा है, लेटेस्ट है, तो आपको लेटेस्ट जैसा साउंड कर रहा है, लेस्टे है ना, लेटेस्ट. तो लेटेस्ट मौसम का हाल कौन बताएगा? जो भैया मौसम विभाग में काम कर रहा होगा, है ना. तो मौसम विज्ञान संगठन, मौसम से संबंधित जो आपसे पूछा जाए प्रश्न, जहां पर पहली महिला महासचिव पूछा जाए विश्व की, तो वो कौन बनी है? जो लेटेस्ट मौसम का हाल बताएगी, यानी सेलेस्टे. ठीक है, रिलेट हुआ, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट है मैनुअल रोका बोटे. ये कौन बनी है? ये इक्वेटोरियल गिन्नी की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है. तो गिन्नी की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी? मैनुअल रोका बोटे. अच्छा, प्रधानमंत्री हो करके ये क्या कर रही थी? यहाँ की इक्वेटोरियल गिन्नी की जो प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री होके, है ना, मैनुअल तरीके से नोट गिन रही थी. जो इनके वहां की करेंसी थी उसको मैनुअल तरीके से गिन रही थी प्रधानमंत्री होकर के. अब भाई प्रधानमंत्री के पास इतना सारा पैसा, तो वहां किसी ने देखा और उसको रोका और क्या कहा? बेटे मैनुअली मत गिन, मशीन से गिन ले. अगर तुझे गिनना ही है प्रधानमंत्री होके इतने सारे पैसे, कब तक गिनेगी? तो वो मैनुअल गिन रही थी, उसको रोका कि बेटे मैनुअली मत गिन, है ना, प्रधानमंत्री हो तुम, मैनुअली मत गिनो बेटे. ठीक है, तो मैनुअल रोका बोटे. क्यों रोका? गिनने को, है ना, क्योंकि वे मैनुअली तरीके से पैसे गिन रही थी प्रधानमंत्री होकर के. तो याद हो गया, बिल्कुल होगा आपको एग्जाम में, बिल्कुल ऑप्शन देखते ही समझ आ जाएगा कौन सा इसका आंसर रहने वाला है. आगे है डीना बोलुआर्ट. ये कौन है? ये है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति. ये बनी है राष्ट्रपति, ठीक है, पेरू. अब यहां पर डीना को डिनोट करो आप बिना से, है ना, ये है डीना, लेकिन आप यहां याद रखो बिना, ठीक है, और पेरू को पैर से, कि बिना पैर अगर कोई चलता है, तो अगर सच बोलूं तो ये एक आर्ट है ना. अब बिना पैर के यदि कोई चलता है, तो सच बोलूं तो ये एक आर्ट है. तो बोलू आर्ट. आर्ट क्या है? बिना पैरों के चलना. तो बिना, डीना, बोलू आर्ट और पैरू, ठीक है. आई होप आपको पसंद आई होगी ट्रिक. नेक्स्ट है जॉर्जिया मेलोनी. ये कौन है? ये है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री. भैया कितनी चर्चा में रही थी जब यहाँ पर G20 की बैठक हुई थी, तो प्रधानमंत्री से मिली थी हमारे, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कितने ज़्यादा इनके ऊपर वायरल वीडियोस बनी थी जॉर्जिया मेलोनी की, है ना. तो मेरे ख्याल से ये तो सबको पता होगा, ठीक है, इटली की कौन बनी? जॉर्जिया मेलोनी. लेकिन फिर भी चलो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको याद करा देती हूँ. इटली को याद करो इडली से, इडली डोसा, है ना, इडली. तो आप कह रहे हैं किसी को कि मिलो तो सही, आप अभी तक मिली तो हो नहीं, और कहती हो मुझे इडली नहीं खिलाई, है ना. तो मिलो तो सही मिलोनी, ठीक है, मिलो तो सही, अब तक आप मिली तो हो नहीं और कहती हो इडली नहीं खिलाई. तो इडली से इटली, जब मिलोगी तभी तो इडली खिलाऊंगा, है ना. तो मिलोनी इटली, याद हो गया, बढ़िया है. अगला है
रेयाना बर्नाबी, रेयाना बर्नाबी यह है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, यह सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अब भैया सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है तो जाहिर सी बात है ये डर रही होगी अंतरिक्ष में जाने के लिए, ना बहुत डर रही होगी। तो जैसे इनकी बारी आती विमान में बैठने की, है ना, अंतरिक्ष में जाने के लिए विमान तैयार था, अब इनकी बारी आ रही है बैठने की कि भाई बैठो जल्दी से लेट हो रहे हैं, है ना, तो ये बार बार मना कर दे डर की वजह से। तो वे जो इनके संगी साथी थे जो साथ में जा रहे थे अंतरिक्ष में घूमने, तो वो क्या बोलते हैं, रे आना रे आना रे आना, कितनी देर लगाएगी, बहुत डर रही है, रे आना, है ना। तो रे आना किसको कहेगी, जब अंतरिक्ष यात्री जो है पहली बार जा रही होगी अंतरिक्ष यात्री बनकर के, तो बहुत डर रही होगी, तो बाकी सभी क्या बोल रहे हैं, रे आना, कुछ नहीं होगा, रे आना। तो रे आना सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है सना रामचंद्र गुलबानी, समा रामचंद्र गुलबानी ये कौन है, ये बनी है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर, है ना। अब भैया हिंदू महिला और वो भी असिस्टेंट कमिश्नर बने अगर पाकिस्तान में, तो कौन बन सकता है, जिसके ऊपर रामचंद्र की कृपा होगी वही बन सकता है, है ना। हिंदू होकर के ऊपर से असिस्टेंट कमिश्नर पाकिस्तान में आम बात नहीं है, जिसके ऊपर रामचंद्र की कृपा होगी वही कर सकता है ये काम, है ना। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है आयशा मलिक, ये है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। आप जानते हैं कि पाकिस्तान कितना फेवरेट रहता है हमारे इधर एग्जाम्स में, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, आयशा मलिक बनी है। कौन, आयशा मलिक। अब भैया मुख्य न्यायाधीश बन गई है, है ना। वैसे तो डर रहता था कि पाकिस्तानी पुलिस कोई कहीं से कुछ भी परेशान कर दे, उठा के ले जाए, लेकिन ये खुद ही मुख्य न्यायाधीश बन गई है, तो अब बहुत धन्य है, बहुत ही ऐश और आराम से मालिक वाली जिंदगी ये जिएगी, ठीक है। सिर्फ याद करने के लिए है, ऐश और आराम से, ऐश से आयशा और मालिक वाली मलिक, है ना, वाली जो लाइफ है ये बिताएंगे, क्योंकि ये खुद मुख्य न्यायाधीश बन गई है। नेक्स्ट है नताशा पिर्क मुसर, नताशा पिर्क मुसर ये बन गई है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। अच्छा, स्लोवेनिया को आप दो हिस्सों में बांटो, स्लोवेनिया, स्लो स्लो पता है भैया, ये वाला धीमे वाला स्लो। अच्छा, ये इतनी स्लो है और इतनी स्लोली जाकर के राष्ट्रपति बनी, क्यों क्यों है ये इतनी स्लो, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये ना पार्क में ताश खेलती थी, है ना, पार्क में ताश खेलती थी, तो ये बहुत स्लो है, है ना, बहुत स्लो है, बहुत स्लोली स्लोली जाकर के स्लोवेनिया की राष्ट्रपति बन गई। क्यों थी स्लो, क्योंकि ये ताश खेलती थी पार्क में, तो ताशा नताशा पार्क से पिर्क, ठीक है, याद हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है गीता गोपीनाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, ये IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक बन गई है। कैसे याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलने का तो चांस इसका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो, इसको हम अगर हम बात करें कि IMF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है IMF की फुल फॉर्म। अब भैया मॉनेटरी मतलब कि धन संपत्ति से संबंधित, फंड भी उसी से संबंधित होता है ना, तो भैया मनी और फंड को आप कहाँ छिपाओगे, क्या सबके सामने रख दोगे, क्या नहीं ना, आप कहीं उसको गोपनीय जगह छिपाओगे, कहाँ छिपाओगे, गोपनीय जगह, है ना। अब भैया मॉनेटरी और फंड से संबंधित बातों को गोपनीय रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है, नहीं तो चोरी हो जाएगा, है ना। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हमें गोपनीय रखना चाहिए, गोपीनाथ, गोपनीय से गोपीनाथ, याद हो गया, वेल डन। नेक्स्ट है हमारे सामने मैगडेलना एंडरसन, ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, स्वीडन की। तो एंडरसन को देखो, एंडरसन और ये डन, स्वीडन एंडरसन, तो सन डन, ये यहाँ पर यही रिलेट हुआ मेरे से, तो सन डन, ठीक है, एंडरसन और स्वीडन, ठीक है, ये हो गया। अगला है नगोजी ओंकोजो इवेला,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है, भले ही नींद में कोई उठा के पूछ ले, ये तो याद होना चाहिए। ये बनी है WTO की पहली महिला महानिदेशक। WTO की फुल फॉर्म क्या होती है जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। ये होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। अब भैया विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक, पहली महिला महानिदेशक बनी है नगोजी ओकोंजो इवेला। अब आपसे, आप पढ़ाई कर रहे हो है ना फिलहाल, और आपसे कोई बोले कि आप ना व्यापार कर लो, पढ़ाई में आप देखो वैकेंसी नहीं आ रही है कोई है ना, आ रही है तो पेपर लीक हो रहा है, तो आप एक काम करो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और ना व्यापार कर लो। आप कह रहे हो कि नहीं, अब की बार और मुझे देखना है, आपने कहा नहीं जी है ना, नगोजी नगोजी एक बार और मुझे देखना है देकर के पेपर है ना, इस बार मैं अपनी पूरी हिम्मत से दूंगा या दूंगी। तो आपने क्या कहा जब आपको बोला गया कि व्यापार कर लो, तो आपने क्या कहा? नगोजी, ठीक है ना जी, तो नगोजी ओकोंजो इवेला। नेक्स्ट है लोरेन हबर्ड, ठीक है, लोरेन हबर्ड। ये कौन है? ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। क्या नाम है इनका? लोरेन हबर्ड, ठीक है। अब भैया कहते हैं ना कि किसी के पंखों को नहीं काटना चाहिए, अगर वो उड़ान भरना चाहे किसी के पंखों को नहीं काटना चाहिए है ना, उनको बर्ड की तरह उड़ने की आज़ादी देनी चाहिए। तो ये बात सिर्फ आम इंसानों तक ही फॉलो नहीं होती, ये ट्रांसजेंडर पर भी फॉलो है कि अगर वो बर्ड की तरह उड़ना चाहे, अपने पंख लेकर आसमान में है ना, यानी नई ऊंचाइयों को छूना चाहे, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो बर्ड से यहाँ पर ऊंचाइयों को छूने से है, तो पहली ट्रांसजेंडर यहाँ पर ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रियंका राधाकृष्णन। ये कौन है? ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है न्यूजीलैंड की। कौन? प्रियंका राधा कृष्णन। कैसे याद रखोगे? देखो अगर आपको कहा जाए बहुत सारी लैंड है ना, बहुत सारी लैंड है, जमीन है, और उनमें एक न्यू लैंड भी है कि भैया नई बहुत सारी लैंड है आपके सामने, ठीक है, मान लीजिए सृष्टि का निर्माण हो रहा है और बहुत सारे ऐसे लैंड के हिस्से हैं, न्यू है ना, न्यू लैंड के हिस्से बने हैं, और आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी लैंड पर जाना चाहोगे, तो आप बोलोगे जहाँ राधा कृष्ण जैसा प्रेम होगा ना, मुझे तो उस वाली न्यू लैंड पर भेज दो, है ना, मैं उस वाली न्यू लैंड पर भेज दो जहाँ राधा कृष्ण जितना प्रेम हो, है ना, राधा जितना कृष्ण से प्रेम करती थी इतना प्रेम जहाँ पर हो, मुझे उस वाली लैंड पर भेज दो, ठीक है। तो न्यू लैंड कौन सी लैंड पर जाना चाहेंगे आप, जहाँ राधा कृष्ण जितना प्रेम होगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। नेक्स्ट है मनीषा रोपेटे, ठीक है, मनीषा रोपेटे ये बनी है पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी, और वो भी पाकिस्तान की। अब भैया पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी बनना आम बात नहीं है, है ना, ना ही घर वाले अलाउ करते हैं कि भैया पाकिस्तान में हो करके और वो भी हिंदू ऊपर से बन जाए पुलिस अधिकारी, तो क्या घर वाले उस बात के लिए सहमत होगे? नहीं ना। तो अपनी बात मनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही रोना पीटना पड़ेगा, है ना, बहुत ही रो पीट करके इन्होंने अपने माता पिता को मनाया कि मुझे पुलिस में ही जाना है ना, हिंदू महिला होकर के पुलिस अधिकारी बनी है पाकिस्तान की, बहुत रो पीट करके, तो रोपेटे, ठीक है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। सेकेंड लास्ट है नोरा अल मतरूशी, ठीक है, ये बनी है UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। UAE क्या होता है भैया? संयुक्त अरब अमीरात, इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदी में, है ना, तो अमीरात यानी बहुत अमीर की बात हो रही है कि अंतरिक्ष में कौन जाएगा? जो बहुत अमीर होगा, है ना, और अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, अगर वो रूस जाए तो वो क्या कहते हैं कि बेटा रूस मत, तुझे मैं अंतरिक्ष में घुमाने लेके चलूंगी, है ना, रूस मत, अंतरिक्ष में घुमाने लेके चलूंगी। कौन कह सकता है ऐसे? जो बहुत अमीर होगे वही तो कहेंगे, भाई गरीब गरीब तो अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे कि रूस गया तो कि भाई चलो अंतरिक्ष में घुमा के लाए, है ना, बहुत अमीर होगे, अरबों रुपए होंगे उनके पास, है ना, वही ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मत रूसी कि मत रूस, है ना, मैं तुझे कहाँ घुमाने ले चलूंगी? अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में घुमाने लेके चलूंगी, तो मत रूसी। नेक्स्ट है लास्ट सामिया सुलुहु हसन, ये है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। तंजानिया, ठीक है, तंजानिया को डिनोट करो तू जानिया, है ना, यहाँ पर है सामिया सुलुहु हसन।
कि मियाँ मेरे हसन को तुम नहीं जानिया, अब तक तुम मेरे हुस्न को नहीं जानिया। कोई बेगम कह रही है अपने मियाँ से कि मियाँ तुम अभी तक मेरे हुस्न को नहीं जानिया, है ना, तू नहीं जानिया, तू जानिया तो तंजानिया और मियाँ हसन, ठीक है, ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाओं को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और याद हो गई होगी सारी की सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल अगर नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको पूरी सीरीज कंप्लीट कराऊंगी स्पीडी बुक की, और अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज आगे आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।